गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हाउ मेनी क्वेश्चंस यू ऑल हैव डन इन दैट? सर आई हैव डन 8 to 20। वेरी यस गुड सर। एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चंस? बट सर आई कांट एबल टू डू द 18th एंड 19th वन। प्लीज एक्सप्लेन मी दैट। ओके बेटा आई एम सर एक्सप्लेनिंग प्लीज टू यू एक्सप्लेन मी जनरली। दैट। विच वन सर बेटा? प्लीज वरिन एक्सप्लेन मी 20th क्वेश्चन। 20th, 18, 19, 20 तीनों समझा रहा हूँ, ठीक है? डोंट वरी, ओके? ओके सर। डोंट वरी, डोंट वरी, आई एम देयर। बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन 18 फ्रॉम योर बुक। 18, 19, 20 तीनों बताऊंगा मैं। विच लेटर विल बी फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड इफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन आर इंटरचेंज विद द वर्ड? कंपेनियन एट। विच लेटर विल बी फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन आर इंटरचेंज विद द वर्ड? ओके, कौन सा? हाँ अच्छा अच्छा ओह सॉरी 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 अच्छा ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी बेटा। अरे ठीक है भैया, गलती हो गई मेरे से यार, एक मिनट रुक जाओ यार। तुम तो नाराज हो गए यार वरिन। नाराज नाराज तो नहीं हो? नहीं नहीं सर नहीं। सर इस लाइब्रेरी ऑफ द 18th 20। अभी 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 देखते हैं बेटा। यस सर। यश इज फेसिंग टुवर्ड्स सर बस स्टॉप। 19th अभी अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। फोन को छाओ मेरा क्लिक नहीं, क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं, कुछ कटोरी का नहीं रही। हैं क्या कह रहे हो वरन? हाँ यश इज फेसिंग टुवर्ड्स बस स्टॉप। बस स्टॉप कहाँ है बेटा? यहाँ पर ये बस आगे, इधर आ जा। भी बस स्टॉप की तरफ फेस है यश का, ठीक है? इफ ही टेक्स 3 whole 1/8 turn एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा भाई, 3 whole 1/8 turn एंटी क्लॉकवाइज। अरे तो मतलब यही हुआ ना। देन ही विल बी फेसिंग विच डायरेक्शन? लाइब्रेरी। आंसर इज लाइब्रेरी। देखो बेटा आंसर लाइब्रेरी है। सर हाउ द आंसर इज लाइब्रेरी? फर्स्ट चेक द आंसर, पहले आंसर चेक करो। यस सर माय आंसर इज आल्सो कमिंग। बट आई हैव नॉट मार्क द आंसर। यस सर आंसर इज लाइब्रेरी। ठीक है देखिए, बट सर आई हैव नॉट मार्क द आंसर लाइब्रेरी। नो नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ कैसे। ओके समृद्ध, देखो ध्यान से देखना, ये वाला जो टर्न है बेटा, सुनो समृद्ध मेरी बात सुनो। सपोज हम जो है यहाँ पर, ध्यान से देखना, देखो अगर मैं सपोज समृद्ध पे अटेंशन, सपोज मैं ये पूरा टर्न ले रहा हूं तो दिस विल बी कॉल्ड एज वन टर्न। ये मेरा वन टर्न हो गया पूरा, वहां से घूम के दोबारा यहीं पे आया। अगर मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ तो ये वन हुआ या आधा हुआ? ये हाफ हुआ। सब ये वाला कितना हुआ? ये हाफ, ये हाफ कहलाएगा। और यहाँ से यहाँ हाफ का भी हाफ हो जाएगा, ये वाला कहलाएगा 1/4। ऐसे ही अगर हम बस स्टॉप से सिर्फ यहाँ तक जाएंगे, सिर्फ यहाँ तक, तो ये जो टर्न है ये 1/8 कहलाएगा। कौन सा टर्न हुआ ये? 1/8, 1/8 टर्न, ठीक है?
ठीक है, तो ये सारे टर्न 1/8 बने रहते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये 1/8 टर्न हुआ, ठीक है, मतलब जस्ट बगल वाले में। अब 3 whole 1/8 का मतलब क्या हुआ, पहले 3 चक्कर पूरे लगाया उसने, देखो 1 चक्कर, 1 राउंड हो गया, ठीक है, दूसरा राउंड हो गया, 2 राउंड हो गए पूरे वहीं से वहीं, फिर 3rd राउंड लगाया, 3 चक्कर पूरे पूरे लगा दिए, वापस यहीं पे आ गए, है ना। एंड उसके बाद 3 चक्कर पूरे ने का 1/8 और लगाया, यानी कि कहाँ पे पहुंच गया, ये वाली डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या है, लाइब्रेरी। हाँ वेरी गुड, ठीक है, यस सर। ओके, 19th वन कह रहे हैं सोनिका इज फेसिंग द पीवीआर, सोनिका पीवीआर की तरफ फेस कर रही है, शी टर्न्स 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज। बेटा माइक ऑफ करो, वरिन वरिन माइक ऑफ करो, बेटा माइक किसको ऑन है, माइक ऑफ करो बच्चों, विराट यादव। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ क्वेश्चन नंबर 19, नाम से चर्च, क्वेश्चन 19 में कह रहे हैं She turns 45 degrees clockwise and then turns 180 degrees anti-clockwise. अभी सोनिका का फेस है PVR की तरफ, PVR यहाँ पे। She turns 45 degrees clockwise. 45 degree clockwise. देखो बेटा, समझे 45 degree कौन सा होता है? कितना होता है? ये होता है 45 degree. तो clockwise घूम गई 45 degree. कहाँ पर आ गई? यहाँ पे. Southeast की तरफ. ठीक है? फिर क्या करा उसने, एंड देन टर्न्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा जाएगी अब यहाँ पर जाएगी, तो 180 कितना होता है, 180 इक्वल्स टू 45 को 4 बार ऐड करो, सर 4 एंगल, 4 टाइम्स, यस 45 4 बार ऐड कर लो, 180 हो जाए, ठीक है। 180 का मतलब ऐसे ये भी होता है कि आप बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में आ रही है 45। तो देखो 180, 45 प्लस 45 दो हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, कहाँ पे आ गई, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, कहाँ पे मुंह चला गया उसका, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या बना हुआ है सर, चर्च, चर्च, चर्च इज द आंसर, ठीक है, गॉट इट, समझ गए, यस सर। क्वेश्चन 20 पूछा है वरिन गोयल ने, इफ तान्या इज इन द साउथ ऑफ यश एंड यश इज इन द ईस्ट ऑफ आरती, वेरी गुड, एक है यश, तान्या जो है वो यश के साउथ में, यहाँ पे है तान्या, ठीक है, यश के साउथ में खड़ी है तान्या, यश कहाँ पर है, यश इज इन द ईस्ट ऑफ आरती, यश आरती के ईस्ट में है, तो आरती यहाँ पर है, ठीक है, आंसर इज नॉर्थ वेस्ट, सर नॉर्थ वेस्ट, यश है आरती के ईस्ट में, ये आरती के लिए ये डायरेक्शन ईस्ट हुई और यश के लिए ये वाली डायरेक्शन साउथ हुई, ओके। In which direction is Aarti with respect to Tanya? Tanya के respect में Aarti की direction कौन सी है? ये कौन सी direction है? ये कौन सी direction होती है? देखो, ये वाली direction कौन सी होती है? North, East, कौन सी आई? North East. तो answer क्या हुआ? This is North East direction. ठीक है? Yes, sir. Okay, Varun Goel. But in the book, northeast is not okay, sir. It is sir, but I have marked northwest in the book.
नॉर्थ ईस्ट आंसर, ठीक है, आ गया समझ में? बेटा गलत दिया हुआ है, that answer is given wrong in the book. Ma'am, sir, the answer is northeast. Yes. No, are, Yash is in the east. Sorry. Wait. Yash. नहीं. Wait करो बेटा, wait करो. Sorry. गड़बड़ हो गई. यश आरती के ईस्ट में है, तो आरती का ईस्ट डायरेक्शन ये हुआ. आरती यहाँ पर हुई बेटा, सॉरी. आरती के ईस्ट में है यश, तो ये आरती के लिए ईस्ट डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है. अब तानिया की कौन सी डायरेक्शन में है ईस्ट? इन विच डायरेक्शन इज आरती? आरती तानिया के कौन से डायरेक्शन में है ये बताना है. सो दिस इज नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट. ओके, ठीक है. Sir, now can we practice test 5 question? Okay, now question 21 से start करो और सारे question complete करिए इस chapter के 21 से लेकर. Sir, only 5 questions are left. हाँ, complete करो फिर ranking. I have already done. ये वाला. How many questions we have to do? सुनो मेरी बात सुनो. Directions वाले chapter में कौन से करने हैं सुन लीजिए. Question 21. टू क्वेश्चन 25 रैंकिंग वाले चैप्टर में क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 15. चलिए शुरू करिए ऑल ऑफ यू. रफ कॉपी सर. क्वेश्चन नंबर ओके सर, ठीक है, करिए. मम्मी सुनो,
Yes, all of you. Do you have doubt? Yes, sir, we have done, sir. Yes, sir, done. Done. And yes, sir, any doubts? Any doubts? Sir, please explain me third question. Third question. Page number batao beta. Sir, that's all I have done. And then, sir, please explain 25th and 24th one. 25th and 24th of directions. Yes, sir. Okay. Ranking question number 3. If the word computers, if the word computers, the first letter is interchanged with the last letter, the second letter is interchanged with the eighth letter, and so on. Which letter would come just after the letter T in the newly formed word? Computer word. Computer. First or last letter को change कर दिया, ठीक है? Second को और total letters कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Second को and second last को interchange कर दिया, and so on. ऐसे ही करके सारे letters interchange किए तो word उल्टा हो जाएगा. S R E T U P M O C, ठीक है? अब पूछ रहे हैं T के बाद कौन सा letter आएगा? Sir U. Sir U. U is the answer. Okay, sir. Sir, we can do a quiz of these things also. Better, rukh ja, better time khatam ho gaya. Sir, button quizzes. Sir, button quizzes. There is no link for reasoning. Directions question number 24. Samrit. Sir, 24 is very easy.